एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाले, आज हम कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाले, बट आज हम करेंगे बायबैक कैसे काम करता है वो चीज पे समझेंगे। चलते हैं उस पार्ट की तरफ अपने। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने डाला था अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे, अगर आप ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ट्विटर या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको एडिट करना और प्रेजेंटेशन देना। तो यहाँ पर भी मैंने TCS की बायबैक की एक स्ट्रैटेजी डाली थी, उसी चीज को लेकर काफी सारे क्वेश्चन आए कि सर ये कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है कमेंट्स में। तो उस चीज के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं, वो वीडियो देखने वाले हैं कि TCS पे जो बायबैक आ रहा है उसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है। चार्ट की हेल्प से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा कि किस तरीके से हम लोग TCS का ये जो बायबैक आ रहा है उससे पैसा बना सकते हैं और सेफ रिटर्न्स बना सकते हैं। इवन मोर देन यहां पर एक्सप्लेन करूं तो यहां पर जितना बैंक FD का रिटर्न आ रहा है उससे ज्यादा। चलते हैं एनालिसिस वगैरह की तरफ। तो TCS का करंट प्राइस जो आज इन क्लोजिंग पर हुआ वो है 3833। वीडियो स्किप मत करना, सिर्फ एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी, बट नॉलेज बहुत सारा रहेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलो TCS का बायबैक, और TCS की पहले बायबैक में, आज बायबैक में जाने से पहले बायबैक की एक हिस्ट्री पर नजर मार लेते हैं। 2017 में बायबैक आया, 18 में बायबैक आया, 2020 में भी बायबैक आया, और अब 2022 में बायबैक आया। पहली बात तो बायबैक कंपनी लेती क्यों है, अगर कंपनी के पास एक्सेसिव कैश या रिजर्व्स पड़ा होता है, मार्केट में कुछ ज्यादा फ्री फ्लोट कैप अवेलेबल हो जाता है, तो कंपनी उन रिजर्व्स को यूज करके मार्केट से शेयर्स रिड्यूस कर देती है और इससे EPS भी बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बायबैक प्राइस 2017 में जो था वो आया था 2850, जबकि प्राइस था 2400 और 18% प्रीमियम पे था। ये पूरा टेबल कैलकुलेशन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। 2018 में भी 16% प्रीमियम पे बायबैक किया था, 2020 में भी 10% के आसपास प्रीमियम कंपनी ने पे किया, और अब जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 2022 में, आज के वीडियो से भी देखूं तो है 3833, 4500 पे बायबैक कर रहे हैं, विच मींस अभी भी 17% का प्रीमियम है। अब इस पार्ट को और डेप्थ में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक्सेप्टेंस रेशियो के साथ आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो वो सारा हम कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो रहेगा, हो सकता है 5-6 मिनट का वीडियो खींचे, बट मजा बहुत आने वाला है। चलो चलते एनालिसिस वगैरह की तरफ। ये पूरा जो हम टेबल है, ये पूरा टेबल फिल करने वाले हैं, बायबैक प्राइस, CMP, डिफरेंस, नंबर ऑफ शेयर्स और प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो सारा भी यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक साइड में मैं पेंट खोल देता हूं तो इजी पड़ेगा, कंसेप्ट में बहुत मजा आएगा, और ये स्ट्रैटेजी आप बाकी स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मोइल का बायबैक आया, और भी स्टॉक्स, विप्रो, इंफोसिस भी, IT कंपनीज ही हैं जो सबसे ज्यादा बायबैक करती हैं। चलो बायबैक की बात करूं तो सबसे पहले बायबैक का प्राइस 4500, तो ये 4500 ही रहेगा हर कॉलम में, इसको स्ट्रेच करेंगे हर कॉलम के लिए आगे लेके जाते हैं, लेट से 6 कॉलम तक हम लोग लेकर गए। करंट मार्केट प्राइस अभी हम लोगों ने पढ़ा 3833, ये करंट मार्केट प्राइस यानी अब ये क्लोजिंग प्राइस हो गया है। एज्यूम करते हैं कि मैं 3833 पर भी बाय कर लेता हूं, लेट से मंडे को फ्लैट ओपनिंग होती है, जो लोगों ने आज मिस कर दिया, जो कि मैंने यहां पर गाइड भी किया था कि अगर कोई बाय करना चाहे तो वो ले सकता है 3830 के आसपास भी। चलो बाय नहीं कर पाए, पहले स्ट्रैटेजी समझो, ये नहीं कि डायरेक्टली जंप कर दो, पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं। ठीक है, 3833 का प्राइस है, तो अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी मैं बाय करता हूं और कंपनी मेरे 4500 रुपीस पर शेयर पे लेती है तो मुझे कितना डिफरेंस पड़ा, यानी कि इक्वल्स टू, तो यहां पर मैं माइनस कर दूंगा बायबैक प्राइस जो कि यहां पर मेरा है B2 माइनस, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो है B3, तो यानी कि मुझे यहां पर 667 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम कंपनी पे कर रही है अगर मैं आज भी बाय करता हूं और बायबैक प्राइस पे कंपनी मेरे शेयर्स उठाकर ले जाती है। बट यहां पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि कंपनी सारे शेयर्स बायबैक कर लेगी, ऑब्वियसली नॉट। अगर कंपनी सारे शेयर्स ही बायबैक कर लेगी
तो एक्सेप्टेंस रेशियो में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि सारी फ्री फ्लोट अवेलेबल जो है मार्केट से वो हट जाएगी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑब्वियसली बात है, कंपनी के पास उतने रिजर्व्स नहीं है कि कंपनी सारा ही बायबैक उठा ले। अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बताया था 44 ले सकते हो मैक्सिमम, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में रहना है। आप उससे कम भी ले सकते हो, 40, 30, 20, 10 भी ले सकते हो, इवन आप 1 शेयर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते हैं 44 के, अगर सपोज करो आपने 44 शेयर्स उठाए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका अभी तक का टेबल। आई होप अभी तक का टेबल समझ आया हो। रिवाइज कर लेते हैं, बायबैक प्राइस 4500, करेंट मार्केट प्राइस 3833, 3800 राउंड ऑफ हो गया, डिफरेंस विद मार्केट प्राइस, डिफरेंस विद सीएमपी बायबैक में हम लोगों ने माइनस करा, यानी 667 रुपीज का प्रीमियम पे कंपनी उठा रही है। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा ये बायबैक प्राइस कैसे आता है, मतलब कंपनी ये बायबैक प्राइस क्यों निकालती है, ठीक है, बट आखिरी में रहेगा। अब नेक्स्ट पे जाएं तो नंबर ऑफ शेयर्स 44, तो अगर मैं बात करूं कि आपने पूरा अमाउंट अभी तक कितना इन्वेस्ट किया है, तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं B5, आपने 44 शेयर 44 शेयर्स बाय करे और करेंट मार्केट प्राइस यहां पर चल रहा है 3833 के आसपास, तो यानी कि आपने टोटल सम इन्वेस्ट करा यहां पर कुछ 1,68,000 रुपीस के आसपास। अभी तक तो 5 सिनेरियो में 6 सिनेरियो में ये सेम ही रहेगा, बट अब यहां पर अब जब हम एक्सेप्टेंस रेशियो पे जाएंगे यहां प्रॉब्लम आने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि हर बार ये नहीं हो सकता कि कंपनी सारा शेयर उठा ले, ठीक। तो अगर मैं एज्यूम करता हूं फॉर एग्जांपल 30% बायबैक आया, एक्सेप्टेंस रेशियो 40% आया, 50, 60, 70 और एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं, लेट से 80%, 30%, 40, 50, 60, 70, परफेक्ट। तो अगर शेयर्स टेंडर्ड की बात करूं, मतलब आप अपने शेयर्स कितने बायबैक में देने वाले हो, तो यहां पर मेरे पास है 44 शेयर्स, बिल्कुल सही है, जिसमें से मेरे पास कंपनी 30% ही शेयर उठाने वाली है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लाई हो गया 27 लीजिए, ये आंसर आ गया 13.2। अब ऑब्वियसली बात है 0.2 तो शेयर कंपनी आपसे नहीं लेगी फ्रैक्शन में। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये 13.2 हो गया मेरा 13, 17.6 हो गया लेट से मेरे लिए 17, ये ऑलरेडी राउंड ऑफ है 22, और ये हो गया मेरा 26, 31 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, क्योंकि 30 राउंड ऑफ है तो मैं 30 लेता हूं, और ये हो गया मेरा 35। मतलब कि अगर आपके पास 44 शेयर्स हैं तो कंपनी सिर्फ आपके 13 शेयर्स बायबैक करेगी अगर कंपनी का एक्सेप्टेंस रेशियो आया 30%। अगर आता है 50% तो आपके 22 शेयर्स लिए जाएंगे, और जितने भी हुप के होल्ड है, सपोज करो किसी ने बाय करे 30 शेयर्स तो 15, किसी ने 10 तो 5, परफेक्ट। अब बचते हैं मेरे पास कितने शेयर्स बचे, ये जो शेयर थे, ये जो लाइन है, ये तो कंपनी ने बायबैक कर लिया, ये कंपनी वापस लेकर चली गई, डिस्पोज हो गए, जिसका पैसा आपको आपके फोलियो में मिल गया। बट अब जो शेयर बचे हैं, शेयर्स लेफ्ट इन फोलियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ी है कि मैं बायबैक करूंगा और पड़ा रहेगा। अब आप पूछोगे कि सर अब इसका क्या करूं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है वो भी देखने वाले हैं। तो शेयर्स लेफ्ट इन पोर्टफोलियो 44 शेयर्स थे यहां पर मेरे पास, जिसमें से ऑलरेडी कंपनी यहां पर 13 शेयर लेके जा चुकी है, इक्वल्स टू कर लेते हैं, तो यानी कि 31 शेयर बचे, इस केस में बचे हमारे पास 27, 22, 18, 14 और 9। चलो ये शेयर्स अब मेरे पास बच गए, अब क्वेश्चन है इसका क्या करूं, लेके बैठा रहूं, ट्रेड होगा नहीं होगा, कब तक होल्ड करना है, सबसे बड़ी बात ये कि कब तक होल्ड करूं सर इसमें, कि आपने यहां पर तो 2 months लिख दिया, आपने ये जो ट्विटर पे मैसेज डाला, आपने यहां तो 2M लिख दिया, बट इसको एक्सप्लेन भी करो, बिल्कुल करेंगे, डीप में समझ रहे हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन फुलफिल करते हैं कि प्रॉफिट कितना आया बायबैक में, प्रॉफिट कितना आया, तो यहां पर एक चीज नोटिस करना, मुझे पर शेयर प्रॉफिट कितना मिल रहा था यहां पर 667 रुपीज, बिल्कुल ठीक है, और कितने शेयर्स थे मेरे पास, शेयर स्टैंडर्ड 13, यानी कि मुझे
अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 30% आता है तो यहां पर 8671 राउंड ऑफ टू 8500 8600 का प्रॉफिट होने वाला है। और जैसे जैसे एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगा तो यहां पर प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी आपका जो माल है, जो आपका पैसा है, जो आपके शेयर्स है आई शुड से, वो महंगे दाम पर खरीद रही है। भाव चल रहा है 3800 का, कंपनी कह रही है लाओ मुझे वापस दो 4500 पे, तो ऑब्वियस ही बात है एक्सेप्टेंस रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ मेरा 8671 के आसपास। चलिए अब आया वैल्यू ऑफ बायबैक, कि बायबैक जब करा कंपनी ने तो उसकी वैल्यू कितनी हुई मुझे यहाँ पर। तो अगर वैल्यू ऑफ बायबैक ले लेते हैं तो इक्वल्स टू वापस से बायबैक का प्राइस यहाँ पर 4500 मल्टीप्लाई बाय मैं कितने शेयर्स देने वाला हूँ, 13 शेयर्स देने वाला हूँ कंपनी को, तो यहाँ पर 58,000 की वैल्यू ऑफ बायबैक है। ये वो पैसा होगा, वैल्यू ऑफ बायबैक मीन्स ये वो पैसा होगा टोटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो कंपनी मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में बैंक अकाउंट में मुझे पे करेगी। 58, 76, 99, 117, 135 and 157 डिपेंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस रेशियो। अब क्वेश्चन बचा ये पैसा, इसको मार्क कर लेते हैं लेट्स से ब्लू कलर से। तो ये पैसा तो मेरे बैंक में आ गया, चलो ये भी ठीक है, बट वापस से गाड़ी वहीं आ गई कि ये जो शेयर्स बचे हैं उनका क्या। तो जो शेयर्स बचे हैं मेरे पास, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो यहां पर मेरे पास कितने शेयर्स बचे थे, 31। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि अभी एक अजम्पशन पर है मार्केट के, अगर करंट मार्केट प्राइस पर ही स्टॉक घूमता रहता है आसपास, इसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि अगर स्टॉक नीचे भी जाता है तो किस तरीके से बचना है। ऑब्वियस ही बात है स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स लेफ्ट की बात करूं तो मेरे पास यहां पर बचे थे 31 शेयर्स, और अगर मैं एज्यूम करता हूं कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही घूमेगा तो यहां पर मेरे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स लेफ्ट जो बचा वो रहेगा कुछ समथिंग अराउंड 118 के आसपास। परफेक्ट, ये हो गई सारी सिंपल सी कैलकुलेशन। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास की वैल्यू ऑफ बायबैक, कंपनी ने वो पैसा दे दिया, जो शेयर्स बचे हुए हैं उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फॉर्मूला लगा सम, यानी B11 यानी वैल्यू ऑफ बायबैक, और B12 और क्लोज, तो यानी कि 1,77,000 की वैल्यू होगी इन टोटल। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टोटल, अगर कंपनी यहां पर 30% एक्सेप्टेंस रेशियो लेती है, और जैसे जैसे ऑब्वियस ही बात है एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी महंगे दाम पर आपके शेयर बायबैक कर रही है। प्रॉफिट यह आ गया टोटल सम, प्रॉफिट इन रुपीस की बात करें तो प्रॉफिट हुआ आपका टोटल इन बायबैक, मतलब आपने इतना पैसा यहां पर वापस से अपना पैसा कमा लिया, मतलब जो अब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और ऑब्वियस ही बात है इन्वेस्टमेंट के बाद वो आंसर यही आएगा कि प्रॉफिट इन बायबैक के आंसर निकाल लेते हैं दोबारा से। प्रॉफिट इन रुपीस, यानी कि सपोज करो आपने लगाए थे 1,68,000 रुपीस के आसपास और टोटल सम बना यहां पर 177, तो इक्वल्स टू मेरा आंसर आया B13 माइनस, और जो पैसा मैंने लगाया था वो था इतना, डन, सेम आंसर आ गया, यानी मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया। ये कैलकुलेशन दोबारा से इसलिए करी है ताकि हम लोग यहां पर ROI निकाल सकें, यहां पर हम लोग ROI निकाल सकें। नीचे वाले पार्ट पे जाते हैं। अब अगर ROI की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने कितना पैसा लगाया और कितना प्रॉफिट आया, एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर। तो ऑब्वियस ही बात है मुझे प्रॉफिट आया यहां पर कितना, प्रॉफिट इन रुपीज 8671 डिवाइडेड बाय मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,68,000 के आसपास, और 1,68,000 ही इन्वेस्टमेंट रहेगा हर टाइम पे। तो यहां पर इंटू 100 कर देते हैं ROI के लिए, इंटू 100, और ये आ गया आपका आंसर 5% के आसपास यहां पर प्रॉफिट रहेगा, वापस हो जाएगा 6%, 8%, 10%, 11%, 13%। अब ध्यान से देखना जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की बात करी थी कि यहां पर बैंक FD से ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बैंक FD देगा एक साल में यहां पर हमें 5% के आसपास, यहां 2.5-3 महीने में मेरे को 5% के आसपास इजिली प्रॉफिट रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अब लास्ट के दो कैलकुलेशन बचे कि सर लास्ट के ये दो कैलकुलेशन क्या हैं, वो भी प्लीज एक बार समझा दीजिए।
परफेक्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, इसको समझने के लिए पेंट के ऊपर भी जाएंगे और थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी, समझने का पूरा पूरा ट्राई करते हैं। आई होप अभी तक का वीडियो क्लियर रहा हो, क्रिस्प क्लियर रहा हो। मैंने बहुत इजी मेथड से समझाने का पूरा पूरा ट्राई करा और कैलकुलेशन भी आप लोगों के सामने करी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो एक नहीं दो तीन बार देख सकते हो, मार्केट तो वैसे भी मंडे को ही खुलेगा, अब जो एक्शन लोगे वो मंडे को ही लोगे, बट हाँ इन दो दिन में नॉलेज इजीली मिल सकता है। अब बात करूं प्रॉफिट पर शेयर कि अब ये प्रॉफिट पर शेयर क्या है, बट अगर ये जो शेयर्स मेरे पास हैं 31 शेयर्स, तो अगर सर यहां पर मान लेते हैं कल को एक्सेप्टेंस रेशियो कम आया, 20% आया, 10% आया या फिर 30% आया, और अगर ये स्टॉक यूं करके धड़ाम से गिर गया तो मेरा क्या, मैं तो लुट गया, मेरा पैसा तो चला गया, पैसा तो यहां पर मेरा वेस्ट हो गया, वो नहीं होगा। उसका रीजन है हर चीज का एक स्टॉप लॉस होता है, नंबर वन। ठीक, अब ये प्रॉफिट पर शेयर क्या है वो देखते हैं। अभी तक आपने 8671 रुपीस का प्रॉफिट निकाला, 8671 रुपीस का आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, जब एक्सेप्टेंस रेशियो था 30%। ठीक, आपने कितने शेयर पे ये प्रॉफिट कमाया, आपने कमाया 13 शेयर्स पे, राइट, जिसकी वजह से 667 आ गया यहां पर। बट अगर मैं बात करूं 31 शेयर आपके पास होल्डिंग है, दोबारा से दिखा देता हूं यहां पर, कैलकुलेशन इजी रहेगा। ये 31 शेयर्स मेरे पास हैं, उन 31 शेयर्स पे ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने यहां पर कमाया है। तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं और सारा मैं ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन इसलिए रखना चाह रहा हूं। 8671 डिवाइडेड बाय 31, आंसर आया 279, यानी कि अभी भी 279 रुपीस पर शेयर आपके पास एक्स्ट्रा हैं। अगर 279 रुपीस से स्टॉक गिरता भी है तो भी आप ब्रेक इवन पर आ जाओगे 31 शेयर से, मतलब अगर गिरता भी है तो भी 31 शेयर से वापस आंसर ये आ जाएगा, अभी भी आपको एक रुपए का लॉस नहीं होगा। वापस से कैलकुलेशन में यही फॉर्मूला ही डाल देते हैं, फिर एक काम करते हैं, इक्वल्स टू, तो यहां पर मेरे पास प्रॉफिट कितना है, इतना है, डिवाइडेड बाय कितना करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स लेफ्ट, जितना टेंडर किया है वो नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स लेफ्ट। तो यहां पर 279 रुपीस पर शेयर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, मतलब अगर मार्केट गिरता भी है, जैसा कि मैंने तीनों केसेस में बताया, अगर मार्केट स्टेबल रहा, यानी स्टॉक की बात करूं स्टॉक स्टेबल रहा, तो यहां पर वैल्यू ऑफ शेयर्स लेफ्ट ये आ गया कि 31 शेयर्स बचे 38-33 के। शेयर्स बढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, कहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग प्रॉफिट निकाल लोगे। बट अगर ड्रॉडाउन आता है, शेयर गिरते हैं, तब क्या करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट है यहां पर 279, यानी कि अगर हर शेयर पे मैंने बाइंग करी 3833 की और मान लेते अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था यहां पर 279 पर शेयर का, तो भी 3553 तक मैं सेफ हूं, तो भी यहां तक इस पॉइंट तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली बात है 1200 तक स्टॉक नहीं जाने वाला, बहुत दूर की बात है, 2400-2800 सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक इवन आया मेरा 3553। अब इसको चार्ट से भी एक्सप्लेन कर देता हूं और वीडियो लंबी ना हो, आई नो आप लोग बोर हो गए होंगे, बट कैलकुलेशन करके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि एक डिटेल एनालिसिस हो जाए। चलो अगर टीसीएस के ट्रेंड की बात करूं तो यहां पर दिख रहा है कुछ एक हाइयर हाई हाइयर लो का ट्रेंड बनता हुआ, तो यहां पर अगर मैं हाइयर हाई हाइयर लो की एक ट्रेंड लाइन देखूं, क्या बढ़िया ट्रेंड लाइन है, देखना नवंबर 20 से लेकर नवंबर 20, यानी मोटा मोटा डेढ़ साल होने वाला है। ठीक, अब अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी मैं यहां पर स्टॉप लॉस रखता हूं तो भी आंसर क्या आया, ध्यान से देखो 3540-3553 के आसपास सेम आंसर आया जो हमारे पास यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट से निकल कर आया। इन शॉर्ट ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो, जिस दिन इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाता है तब जाकर मुझे प्रॉब्लम आएगी, तब जाकर ये जितना भी प्रॉफिट मैंने निकाला 8671 का वो मेरा शेयर जीरो हो जाएगा, तो वो मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात और बता देता हूं इस वीडियो के साथ साथ, यहां पर जब भी कंपनी ने बायबैक किया है, अब दो क्वेश्चन, बायबैक प्राइस, कंपनी बायबैक प्राइस ये समझती है कि वो उसकी अच्छी फंडामेंटल वैल्यू है और आगे जाके रीगेन कर सकता है,
जब कंपनी ने 2017 में प्राइस था 2400 और स्टॉक बायबैक प्राइस डाला 2800 के आसपास, तो यहां पर दो ढाई महीने में ही स्टॉक 2800 टच कर गया। सेम तीन साढ़े तीन महीने लगे थे कुछ 2018 में, और 2020 में जब रिकवरी आनी स्टार्ट हुई तो यहां पर ढाई तीन महीने लगे स्टॉक ने अच्छा खासा जंप दिया। सेम एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने एक एवरेज प्राइस लिया, एवरेज टाइम पीरियड लिया दो ढाई महीने के आसपास। प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर फोर रिजल्ट भी अच्छे आए कंपनी के, टिल देन ये ट्रेंड लाइन रखी जा सकती है चार्ट से। कैलकुलेशन मैंने पूरी डेप्थ में आपको यहां पर कैलकुलेशन करके दिखाई, दो बार तीन बार और देख सकते हो, और उससे भी बढ़िया जो मैंने ये कैलकुलेशन करी है, खुद ट्राई करो एक्सेल पे या पेपर पेन पे। डिटेल एनालिसिस से टीसीएस बायबैक के ट्राई टू एक्सप्लेन कि यहां पर एफडी से ज्यादा रिटर्न कैसे निकाला जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ।